ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी मुझे मौका मिला, प्रस्ताव पास हुए, यहाँ इंडिया के पीएम को दिए गए, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। एक मौका मिला अभी कनाडा के पार्लियामेंट में बोलने का, वो प्रस्ताव पास हुए, वो प्रधानमंत्री को आए, कार्रवाई नहीं हुई। कनाडा में भी प्रस्ताव पास हुए अक्टूबर में, वो प्रस्ताव भी यहाँ पर आए, उन पर भी कार्रवाई नहीं हो पाई। समझ लें हम क्वेश्चन क्या है। ये सारा प्रस्ताव जो है काफी भेजिए, मैं पार्लियामेंट को कंफर्म कर फिर मैं तक उसको फॉलो। सर थैंक यू सर। दूसरा क्या है, आज माननीय हनुमंत थप्पा साहब के माध्यम से एक चीज जो मैं अब समझ रहा हूँ और आप भी अगर समझे तो, पहले तो हम अपनी प्राथमिकताएं प्रायोरिटीज को तय कर लें। हमारी प्रायोरिटीज दो मिनट खिलाना प्रायोरिटीज क्या है। आज यहां पर बैठे हैं, मीडिया सोशल मीडिया सामने है, मुद्दों की बात हो रही है, भारत के राष्ट्रपति को लाने की बात, राष्ट्रपति को लाने की बात हो रही है, रामनाथ कोविंद जी की बात नहीं हो रही। समझ रहे इस पॉइंट को क्या है। राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्र अध्यक्ष यानी कि नंबर वन प्रथम नागरिक ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। हम लोग अपना मेमोरेंडम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे इन प्रेजेंस ऑफ द होल कम्युनिटी जो इंडिया में रह रही है और इंडिया के बाहर रह रही है। ये बड़ा इवेंट होगा, बड़ा खर्चा भी होगा। खर्चे के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं आपको, या एक समस्या आपकी छोटी सी, जैसा अभी हनुमंत थप्पा साहब ने कहा कि LIC का एसोसिएशन, उसका स्वरूप क्या है, वो इस ऑफिस में आने के बाद हर आदमी अपने आप समझ जाता है, समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ करके, इसे पॉजिटिव लीजिएगा, ना यहां फंड्स की कमी है ना पब्लिक की कमी, दोनों चीजों को क्लियर कर देता। लेकिन इससे भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन रेलवे, जिसके पास 3.5 लाख आदमी काम करता है और इंडियन रेलवे अपने ही दम पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम करता है, लेकिन सरकार कहते एक विभाग कर रहा है। समझिए बात को क्या है, एक डिपार्टमेंट कर रहा है, कुछ नहीं होता उससे। LIC अकेली करती है, कुछ नहीं होता उससे। 3.5 लाख 7 लाख नहीं सर, नाउ रिड्यूस नंबर, रिड्यूस नंबर कम हो गया सर, अब नंबर कम रह गया, नाउ सब CRS से निकाल दिया, सब विभागों में निकाल दिया, सब जगह कम हो गया। प्रॉब्लम ये है कि जब फेडरेशन, मतलब उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी का सुरेंद्र भी है, प्रोफेसर मंडल भी उसमें आते हैं, कैप्टन नवा आर्य भी उसमें आ जाती है, उसमें आपका देना बैंक भी आता है, स्टेट बैंक भी आता है, सरकार पर इम्पैक्ट आता है कि ये एक समूह है, ये सब लोग इकट्ठे हैं। एक बात, अगर 1000 लोग सब मिलकर इकट्ठे होते तो गवर्नमेंट पे इंपैक्ट कुछ और आता है, और एक डिपार्टमेंट के 5000 लोग इकट्ठे हों तो इंपैक्ट नहीं आता। दूसरा पहलू एक और है, एक पहलू और, डॉक्टर अम्बेडकर से कहा गया कि क्यों ये आप 5-5, 10-10 रुपए इकट्ठा कर रहे हो अम्बेडकर भवन बनाने के लिए। बिरला साहब ने किया फोन कि बिरला मंदिर बन रहा है, आप आइए 10 करोड़ का चेक ले जाइएगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि पहले मैं आपका आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं बिरला साहब कि आपने ऐसा सोचा कि अम्बेडकर भवन के लिए आप 10 करोड़ का चेक देना चाहते हैं, लेकिन मैं माफी चाहता हूं, मैं बिरला भवन नहीं बना रहा, मैं अम्बेडकर भवन बना रहा हूं, और अम्बेडकर भवन तब बनेगा जब सारे समाज का 10 रुपया 5 रुपया 2 रुपया 100 रुपया लगेगा। ये मूवमेंट तब चलेगा मित्रों, एक आदमी के पैसे मूवमेंट नहीं चलेगा, इसलिए आपके 10 रुपये की जरूरत है। समझे बात का, आप मेरी आवाज में थोड़ी तेजी इसलिए है कि हम गाते कुछ है, बजाते कुछ है, खाते कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है, और ये दूसरा सिस्टम जानता है, और जानने के बाद वो हमसे फिर हमारा बने। माननीय हनुमंत थप्पा साहब आए हैं, उन्होंने अपना कीमती समय दिया है, ये 23 तारीख का प्रोग्राम देश के एक एक गरीब आदमी को समर्पित होना चाहिए, एक एक गरीब आदमी को इसका एक रोशनी उस घर तक जानी चाहिए। हम लोग तो रोटी खा रहे हैं, शहरों में रह रहे एसी में सोते हैं कंबल ओढ़ करके, कई बार कहता प्रधानमंत्री कहां महंगाई है, लोग एसी भी चलाते हैं कंबल ओढ़ के सोते हैं, कहां महंगाई है, बिजली खूब खर्च कर रहे हैं। ये सच है हमारे भी, एसी गाड़ी जैसी बैठेंगे तुरंत एसी ऑन हो जाएगा, ये कड़वा सच है, समझ बात आ। लेकिन गांव के उस गरीब घर में जहां से मैं और आप निकल कर आए हैं, वहां अभी तक रोटी की व्यवस्था प्रॉपर नहीं हो पाई है। शायद हनुमंत थप्पा साहब उसी रोटी को पहुंचाने के लिए 80 साल की उम्र में आज हमारे बीच है, वरना इनका कोई काम नहीं। 10 तारीख का कार्यक्रम हमारा है, 10 तारीख का कार्यक्रम हमारा है, उसको हम सफल बनाएंगे सब लोग मिल करके,
और 23 तारीख का कार्यक्रम का स्वरूप कुछ और है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति उस कार्यक्रम में अगर आते हैं, जिसके लिए हरमन थप्पा साहब ने जिम्मेदारी ली है, कम्युनिकेशन कर दिया है। और सर अच्छी बात यह है कि भारत के राष्ट्रपति 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख को दिल्ली में हैं, क्योंकि उन्होंने गवर्नर्स की मीटिंग बुलाई हुई है। जो छत्तीसगढ़ की गवर्नर हैं अनुसुईया उइके जी, उनसे मेरी कल भी बात हुई और वो भी इस प्रोग्राम में आने के लिए चाह रही हैं। वो भी डेट चेंज कराने के लिए कह रही थी कि फर्स्ट हाफ में 22 तारीख को राष्ट्रपति जी भी आ सकते हैं और गवर्नर सारे आ सकते हैं, सारे गवर्नर दिल्ली में। तो एक अच्छा मौका है आपके लिए कि आप गवर्नर्स को भी, क्योंकि जो हमारी झारखंड की गवर्नर है, हमारी जो मुर्मू जो है मैडम, वो भी आ जाएंगी, ये छत्तीसगढ़ की गवर्नर ये भी आ जाएंगी, और जो हमारे गवर्नर से अगर सारे लोग आते, समाज इकट्ठा होता तरीके से, अमेरिका के लोग यानी यूएसए के लोग, ब्रिटेन के लोग, ये सब लोग इंडिया में आ चुके हैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, मेरा निवेदन यह है, इसलिए मत दो कंट्रीब्यूशन, समय वादा कि आर्थिक तंगी है इसलिए दो, कि आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। मैं नाम नहीं लेना चाहता है, कई सारे लोग बैठे हुए यहां आते हैं, मैं उन्हें बिना पूछे, अभी एक बेटी आई सर, उसको जाना थाईलैंड, थाईलैंड उसके पास किराया नहीं, यही बैठे सब लोग इसी हॉल में बैठे थे बराबर में, उसे 65,000 रुपए की आवश्यकता पर समाज के लोगों ने 5 मिनट में 65,000 रुपए इकट्ठा करके उस बेटी को दिए और वो बेटी थाईलैंड गई और बैंकॉक में 500 रिप्रेजेंटेटिव में और 39 देशों में जीत करके समाज का नाम रोशन करके दिल्ली वापस आई। तो क्या ये नहीं होना चाहिए था? बोला सम्मानित कर रहे, वो आए उस दिन आए कि उसे सम्मानित करना। अभी एक बेटी ओलंपिक खेलने जा रही है, उसके जूते फटे हुए थे, जूते नहीं उसमें है और बड़े बड़े दानी है हमारे बीच में, उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं। यही इसी हॉल में संत जो हमारे बाग मारे हैं उनके हाथ से उस बच्ची को 50,000 रुपए दिलवाए गए और उसने कहा कि अब मैं ओलंपिक में आपको मेडल जीत करके लाऊंगी, ये भी काम हमारा है, कहना बहुत है, करना भी हमें पड़ेगा। मेरा अनुरोध आप लोगों से ये है, एक भावना थी दिल में आ रही थी तो मैंने आपको मेमोरेंडम माननीय हरमन थप्पा साहब इस तरीके से मतलब इसको तैयार कराएंगे। हम लोग आपस में कमेटियां, जहाँ तक है कमेटियां सारी बन रही हैं, हमारे सुरेंद्र जी कहाँ खड़े हो जाएं, 90% बच्चे जो लेकर आए हैं सर, 100 बच्चों की लिस्टिंग पूरे समाज में, 10 बच्चे ऐसे जो 10वीं के हैं, 10 बच्चे ऐसे जो 12वीं के हैं, 10 बच्चे ऐसे जो ग्रेजुएशन के हैं, 10 बच्चे बीटेक एमटेक वाले हैं और ऐसे बच्चे जो आर्ट्स में काम कर रहे हैं, जो बच्चे स्पोर्ट्स में काम कर रहे हैं, पूरी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की पूरी टीम खड़ी हो जाएगी, यूनिवर्सिटी की टीम पूरी, आप खड़े हो जाइएगा, बच्चे अभी तक चलेगा। तो ये सारी टीम सर ऑलरेडी एक काम पर लगी हुई है, इसके अलावा दूसरी टीम इधर LIC की काम कर रही है, समझ नहीं पाता, रहने का, खाने का, बांधने का सारा व्यवस्था है, LIC की टीम खड़ी हो जाए, आप ये सारे लोग जो है वो बंदोबस्त कर रहे हैं। उसके बाद में और जो कमेटियां रह गई हैं, उन कमेटियों के लिए आपके साथ बैठेंगे, बैठकर काम करेंगे। मेरा दो निवेदनों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। 10 तारीख को हमारा अपना कार्यक्रम है जंतर मंतर में, ये ना समझे कि कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, देखिए ये बड़ी बीमारी है, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, ये बड़ा प्रॉब्लम है भाई, कौन कर रहा है? तो वहां टेंट में हाथ डाल के जाता आदमी, है देखे यार, जरा देख के तो आए क्या हुआ, किसे देख के लोग जाता है, मेरी बात आप सबने बात आप, मेरा निवेदन है कि 10 का प्रोग्राम हमारा अपना समाज का प्रोग्राम, सब लोग आएंगे, आएंगे सब लोग, हाथ उठाएंगे सब लोग, सारे लोग आएंगे। और 23 तारीख का कार्यक्रम दूसरे टाइप का है, दूसरे टाइप का क्या है, ये हमारा एक बुद्धिस्ट, हमारा जो टेम्पल है हमारी उसकी डिमांड है, जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ की है, लेकिन हमारे समाज के साथ ओवरऑल जो जायजतियां हो रही हैं, सारी जायजती जो हो रही हैं, वो 23 तारीख का कार्यक्रम वो दूसरे टाइप का बड़ा प्रोग्राम होगा, ठीक है? तो मेरा अनुरोध आपसे ये है कि आप सब लोग उस कार्यक्रम को भी अपना ही मानिएगा, ये मानकर मत चलिएगा कि स्टेट बैंक वाले, ये बॉस साहब का है, यहाँ मंथप्पा साहब का, रेल का, हमारा सबका प्रोग्राम है। अपनी क्षमता के हिसाब से लोगों को लेकर आइए, अपनी क्षमता के हिसाब से, जरूरी नहीं है कि आप 100 रुपये दें, आपका एक अंदर इंटरनल कैलकुलेशन, आपको 10 रुपये डालने चाहिए, मैं 10 रुपये की बात कर रहा हूँ यार, 1 रुपये की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी भागीदारी होगी, मेरी बात समझ नहीं, आपकी भागीदारी होगी तो आनंद आएगा, आपको आनंद आएगा, मेरा प्रोग्राम है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप सोचोगे यार चल देखे आते हैं यार क्या है, चलते नहीं, समझे बात, और यही चीज है जो हमको पीछे लेके जा रही है। तो मेरा सबमिशन ये है कि आप सब लोगों से कि ये 10 का प्रोग्राम सफल बनाइए, हमारा अपना प्रोग्राम है, 23 का प्रोग्राम उसको भी सफल बनाइए, वो भी हमारा प्रोग्राम है, आगे जो प्रोग्राम्स आएंगे मंदिर हनुमत थप्पा साहब की लीडरशिप में, उनको भी हम सब मिलकर सफल बनाएंगे, एक परिवार पैदा करिए, एक भाईचारा बनाइए, एक दूसरे के सुख दुख में खड़ा होने की सोच बनाइए, और अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला सवेरा हमारा होगा।
और मैं माननीय हनुमान थप्पा साहब का आभार इसलिए व्यक्त करूंगा कि इस उम्र में आप समझ सकते हैं कि एज बहुत ज्यादा हो गई है। उसके बाद उन्होंने बेंगलोर से माननीय रावत साहब को टेलीफोन किया और मैंने 80 साल लिखा, गलती से 88 साल की उम्र है, जोरदार ताली आपसे। उनके 88 साल और दूसरे उनके सहयोगी ये खड़े हो जाए माननीय रावत साहब, इनकी उम्र भी इतनी है, देखिएगा है। लेकिन दोनों ने ये प्रोग्राम को सर ने हनुमंतप्पा साहब ने रावत साहब कहा, रावत साहब ने मुझे कहा और मैंने आप सबको कहा, आप सब लोग आए, बड़ा अच्छा लगा। और इसमें जो भी जिम्मेदारी आपको मिलती है, हैंडबिल पोस्टर छप चुके हैं, वो भी आप लेकर के जाएं, अपने अपने विभागों में प्रचार करें, हम लोग भी आपके विभागों में आकर आपसे मिलेंगे भी, क्योंकि तो हमारा भी जिम्मेदारी बनती है हम आपसे मिलें। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का आभार और धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।